पॉइंट टू में हमने सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के बारे में जाना। सो हाउ विल यू गेट आउट ऑफ सर्कल ऑफ कंसर्न? सपोज कॉलेज से आप एक पिकनिक पे गए हो और आप एक फ्रेंड ग्रुप को देखते हो जो कि किसी पे हंस रहे होते हैं, और वो फ्रेंड ग्रुप में कॉलेज के कूलेस्ट स्टूडेंट्स हैं। आप देखते हैं कि उन्होंने बहुत ही फैंसी कपड़े पहने रखे हैं जो कि मैगजीन में दिखाए जाते हैं, उनके पास आईफोन है, वो इंग्लिश में फ्लुएंटली बात कर सकते हैं, और वो खाने में भी कुछ पिज्ज़ा बर्गर ऐसा सब लाए, एंड दे परफेक्टली साउंड लाइक अ फॉरेनर। फिर आप अपने आप को देखते हो जिसके कपड़े पुराने हैं, जिसके पास आईफोन नहीं है, सिर्फ डब्बा फोन है। आप वही डब्बे में घर का खाना लेके आए, आपके कपड़े ऐसे नहीं है जो कि मैगजीन में दिखाए जाते हैं, और आप एकदम सिंपल हो। आप उनकी तरह इंग्लिश में बात भी नहीं कर सकते फ्लुएंटली, क्योंकि शायद आप इंग्लिश मीडियम से नहीं हो और हिंदी मीडियम से हो या फिर किसी अदर लैंग्वेज मीडियम से। तो फिर आप क्या सोचेंगे कि वो लोग जो कि इंग्लिश में बात कर सकते हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट है, वो लोग जिंदगी में आगे बढ़ जाए, वो लोग लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, वो उनको बेटर जॉब्स मिलेंगे, उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और मैं वही का वही रह जाऊंगा। इस विचार को कहते हैं सर्कल ऑफ कंसर्न। अभी आपको सर्कल ऑफ कंसर्न से बाहर निकलना है, तो फिर आप क्या सोचोगे कि भले ही वो लोग फॉरेनर की तरह साउंड करते हो, भले ही वो लोग परफेक्ट हो, लेकिन मैं भी अपनी इनर स्ट्रेंथ पर फोकस करूंगा, मैं भी हर रोज़ कुछ नया सीखता रहूंगा, मैं भी कुछ इंग्लिश बोलने की ट्राई करूंगा ताकि मैं उन लोगों के जैसा बोल सकूं। और आप ये भी सोचोगे कि मैं अपने आप से कॉम्पिटिशन करूंगा, मैं अपने आप को हर दिन इम्प्रूव करने की ट्राई करूंगा और हर रोज़ कुछ नया सीख के उसे कैसे लाइफ में अप्लाई करना है ये भी सीखूंगा। इसे कहते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, कि जहाँ वो फैक्टर है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। सिर्फ दूसरों को देख के ये सोचना कि मैं ये नहीं कर सकता, ये बहुत ही गलत बात है। इसे कहते हैं सर्कल ऑफ कंसर्न। लेकिन सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आप ऐसे फैक्टर्स पे फोकस करते हो जो कि आपके कंट्रोल में हो और आपको करना भी चाहिए। सो गेट आउट ऑफ सर्कल ऑफ कंसर्न एंड गो अहेड, कीप गोइंग।